भारतीयों ने एक बार फिर से अपनी काबिलियत से पूरी दुनिया में अपने देश का झंडा बुलंद कर दिया है। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका और पूरे विश्व में भारतीयों का डंका बज रहा है। वहीं दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ भारतीय या भारतीय मूल के लोग हैं। इन्हीं टैलेंट्स में अब एक और नाम जुड़ गया है और वो है अजय पाल सिंह बंगा का, जिन्हें वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने अजय बंगा को बैंक का 14वां अध्यक्ष चुना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अजय 2 जून 2030 से ये कार्यभार संभालेंगे और अगले 5 सालों तक इस पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही वो वर्ल्ड बैंक के मौजूदा प्रेसिडेंट डेविड मालपास की जगह लेंगे। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा के नाम का नामांकन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने साल 2023 में ही कर दिया था। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास ने करीब 1 साल पहले अपने पद को छोड़ने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि मशहूर क्रेडिट कंपनी मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके अजय बंगा इंडो अमेरिकन है। वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा को जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली के साथ साथ कई और राष्ट्रों का समर्थन मिल चुका है। तो चलिए अब आपको अजय के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। तो आपको बता दें कि 63 वर्षीय अजय बंगा एक भारतीय अमेरिकी हैं, जो फिलहाल इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। अजय बंगा की स्कूलिंग हैदराबाद पब्लिक स्कूल से हुई। तब उनके पिता हरभजन सिंह बंगा सेना में अफसर थे और 1970 में हैदराबाद में ही तैनात थे। स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिर उन्होंने डीयू के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री भी प्राप्त की। इसके बाद वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने लग गए। बंगा के पास 30 साल से ज्यादा का कारोबारी अनुभव है। साथ ही वो मास्टर कार्ड में प्रेसिडेंट और सीईओ के पद पर भी रह चुके हैं। उन्होंने अगस्त 2009 में मास्टर कार्ड ज्वाइन किया था और 2010 अप्रैल में प्रेसिडेंट और सीईओ बने थे। इससे पहले वो सिटी ग्रुप एशिया पैसिफिक रीजन के सीईओ भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि अजय बंगा पहले भारतीय मूल के शख्स हैं जिन्हें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। मास्टर कार्ड में विभिन्न भूमिकाओं पर काम करने के अलावा वो अमेरिकन रेड क्रॉस, क्राफ्ट फूड्स और डंकन के बोर्ड पर भी सेवाएं दे चुके हैं। अब भारतीयों का डंका ब्रिटेन से लेकर अमेरिका और पूरे विश्व में बसता नजर आ रहा है। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।